एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी की बुक का बुक में दिया है अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड. 90 मीटर लंबा है 75 मीटर चौड़ा है आपका. अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड. 5 मीटर का आपने पाथ बनाया है इसके बाहर आउटसाइड बनाया है. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. आपको एरिया ऑफ द पाथ बताना है मीन्स ये एरिया आपको बताना है. ये कैलकुलेट कैसे होगा. एरिया ऑफ पाथ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल. या लिख सकते हैं एरिया ऑफ गार्डन प्लस पाथ माइनस एरिया ऑफ गार्डन. गार्डन प्लस पाथ के लिए ये पूरा हमें 90 दिया है. इसमें ये 5 और ये 5 ऐड किया तो ये पूरा आ गया दैट इज 100. सिमिलरली ये 75 दिया है. इसमें ये 5 और ये 5 ऐड किया तो पूरा आ गया 85. तो एरिया ऑफ गार्डन प्लस पाथ हो गया 100 इंटू 85. ये 100 और ये 85. एरिया ऑफ गार्डन अंदर वाला है ये 90 दिया है ये 75 दिया है तो दैट इज 90 इंटू 75. मल्टीप्लाई किया दोनों को और उसके बाद दोनों को माइनस कर दिया. ठीक है. एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है. क्वेश्चन में अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. लेंथ दिए रेक्टेंगल की 125, ब्रेथ दिए 65. इसके बाहर आपने 3 मीटर का पाथ बनाया है. इस पाथ का एरिया आपको बताना है. ये 125 दिया है इधर 3 मीटर इधर 3 मीटर तो ये पूरा हो गया 131 मीटर. यानी बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आ गई 131. ऐसे ही जो ब्रेथ है ये 65 दिया है यहां से यहां तक. ये 3 दिया है ये 3 दिया है तो ये पूरा मिलाकर हो गया हमारा 71. अब एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. आउटर वाले की लेंथ आई 131, ब्रेथ आई 71 तो इट इज 131 इंटू 71. अंदर वाले की लेंथ है 125, ब्रेथ है 65 तो उनका एरिया आया 125 इंटू 65. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इन दोनों को मल्टीप्लाई किया देन माइनस कर दिया. दिस इज द आंसर. ठीक. एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ रहे हो. पहले अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड. एक पिक्चर बना रहे हो आप. कितने बड़ा कार्डबोर्ड दिया है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है 5 सेंटीमीटर आपको वाइड दिया है. सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड्स. जो आप पिक्चर इस पर बना रहे हो उसमें आपने सब तरफ मार्जिन छोड़ा है और 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ा है. मीन्स आपकी ये वाली जो लंबाई है दैट इज 1.5 दैट इज ऑल्सो 1.5. ये 1.5 ये भी 1.5. ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मार्जिन. फॉर्मूला सेम लगाएंगे. बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस करेंगे. अब बाहर वाले का मेजरमेंट दिया है 8 और 5. अंदर वाले का मेजरमेंट नहीं गिवेन है. वो निकालने के लिए क्या किया देखो मैं दोबारा से बना के बताती हूँ. ये बाहर वाला और ये अंदर वाला. ये पूरा दिया है आपको 8. ये मार्जिन दिया है 1.5 और ये दिया है आपको 1.5. ठीक है. अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये भी 1.5 हो गया और ये भी 1.5 हो गया. और आपको केवल ये वाला पोर्शन बताना है और ये पूरा दिया है आपको 8. 8 में से आपने ये 1.5 भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है. पहले 1.5 और 1.5 को ऐड कर लिया इट इज 3.0 यानी आ गया 3. इस 8 में से 3 माइनस किया तो ये बच गया खाली 5. सिमिलरली ये पूरा दिया है आपको 5. इस 5 में से ये भी 1.5 ये भी 1.5 ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने. ये 1.5 ये 1.5 ये दोनों आपको माइनस करने. 5 में से ये 1.5 और ये 1.5 माइनस करेंगे तो ये खाली बचेगा 2. तो अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसका मेजरमेंट आ गया 5 और 2 तो उसका एरिया हो गया 5 इंटू 2. इट इज 40 माइनस 10 इट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में दिया है अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. आपको ऐसे दिया हुआ है एक कमरा ये 5.5 का है और ये 4 का है और इसके चारों तरफ आपने वरांडा बनाया है. वरांडा का मीन्स होता है आंगन.
ठीक है, पहले जो घर हुआ करते थे उनके चारों तरफ ये बाहर आंगन बनाया जाता था। तो वो पूछ रहे हैं जो आपने वरांडा बनाया है इस वरांडा का आपको एरिया बताना है। फॉर्मूला सेम लगेगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। इनर का मेजरमेंट आपको दिया है ये 5.5 दिया है, ये 4 दिया है, ठीक है। आपको बाहर वाले का निकालना है, बाहर वाले में ये और ऐड हो जाएगा। ये हमें 2.25 दिया है, ये हमें 2.25 दिया है, इसको ऐड करके मैंने दिखाया इट इज 10। तो यानी बाहर का ये मेजरमेंट 10 हो गया, ठीक है। ये वाली जो साइड है यहाँ 4, ये 2.5 और 2.25 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 8.50, या यू कैन से ओनली 8.5 भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ वरांडा इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अंशुमन आउटर का बोलना बेटा कितना होगा, रिकॉर्डिंग में क्या आंटी आउटर रेक्टेंगल का होगा आंटी हमारा 8.5 × 10। इट इज 10 × 8.5, पहले लेंथ लिखी जाती है। नाउ इट कम्स 85 माइनस लावण्या एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल बोलो बेटा। आंटी होगा 5.5 × 4। यस हाँ। इक्वल टू 22 आएगा इसका आंसर। ओके गुड। नाउ परी 63 मीटर स्क्वायर दैट इज द एरिया ऑफ द वरांडा। इसी में एक दिया हुआ है आगे सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 per meter square। ठीक है, आपको बोल रहे हैं ये जो आपने वरांडा बनाया 63 मीटर स्क्वायर का, इसको बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू रेट। एरिया अभी अभी आपने 63 निकाला है और रेट आपको दिया है 63 मीटर स्क्वायर निकाला आपने, ठीक है, और रेट आपको दिया है ₹200 per meter square। दिस वन इज पर, ठीक है, अपॉन के साइन को पर बोला जाता है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, रुपीस का साइन बाहर आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 12600 यानी 12600, ठीक है। रोक दे पारी, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अ पाथ 1 meter वाइड इज बिल्ट along the border and inside a square garden of side 30 meter। 30 meter का स्क्वायर दिया आपको, ये भी 30 ये भी 30, इसके अंदर आपने पाथ बनाया है और वो पाथ बनाया आपने 1 meter का। अब पहले केस में आपको करना है एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है पाथ का, सेम जैसा अब तक करते आए हैं, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर। अब यहाँ रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये शेप आपको स्क्वायर दी है, माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर तो बाहर हो गई 30, ये भी हो गई 30, तो 30 × 30। अंदर वाले की साइड निकालने के लिए एक यहां से माइनस किया और एक यहां से माइनस किया, दो माइनस हो गया तो ये आ गया 28, ठीक है। ये पूरा था 30, ये 1 इधर से माइनस, 1 इधर से माइनस, इट इज 28। सिमिलरली ये भी आ जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 28 × 28। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप 30 के ऊपर स्क्वायर लगा दो, ऐसी 28 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, एक तरीका है इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, जो आंसर आया उनको माइनस कर दिया। दूसरा तरीका ये है, इन दोनों नंबर को एक बार प्लस कर दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, एक बार दोनों को माइनस कर दो। प्लस किया तो 58 आया, मल्टीप्लाइड बाय 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 116 meter square, ठीक है। ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है इस पाथ को छोड़कर जो जगह बची वहां पर आप पेड़ पौधे लगा रहे हो, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे हमारी जगह कितनी बची, हम कौन से पार्ट में पेड़ पौधे लगाएंगे, कौन बताएगा। देखो अब जो आपको सेकेंड पार्ट में दिया है, उन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 per meter square। ये पूरा का पूरा गार्डन था, इस पूरे गार्डन में ये आपने पाथ छोड़ दिया, अब ये जो बाकी बीच का हिस्सा बचा है यहां पर आप खाली पौधे लगा रहे हो, ठीक है। तो पौधे आप कितने एरिया में लगा रहे हो, इस छोटे वाले में, अंदर वाले स्क्वायर में, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा इसका 28 × 28 meter square। आपको निकालनी है कॉस्ट, कॉस्ट बराबर होता है एरिया इंटू रेट। एरिया आया
इनको मल्टीप्लाई करेंगे इट कम 784 मल्टीप्लाइड बाय रेट आपको दिया है रुपीज 40। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31360। ठीक है, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है आपको टू क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर। ठीक है, रोड दिए हैं 10 मीटर विड्थ की। कट एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर। ये पार्क दिया है रेक्टेंगुलर, इसकी लंबाई दी है 700 मीटर, चौड़ाई दी है 300 मीटर। इसमें दो रोड्स काटी गई हैं जो पैरेलल है, किसके, एक लेंथ के पैरेलल है और एक ब्रेथ के पैरेलल है। ठीक है, और ये जो दोनों रोड है ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर मीट कर रही है। पहले मैंने केवल एक रोड बनाई, दिस रोड इज पैरेलल टू द ब्रेथ। ठीक है, ये ब्रेथ है और ये इसके पैरेलल है, यानी इस लेंथ की, इस रोड की जो लंबाई होगी वो इस रेक्टेंगल की लंबाई के इक्वल होगी। ठीक है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये भी हमारा 300 मीटर का आ गया। ये वाला मैं छोटा सा यहां लिख दे रही हूं 300 मीटर, और यहां पर ये हमें 10 मीटर का दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें 10 मीटर गिवन है रोड की चौड़ाई। दूसरी सड़क इन्होंने दी है ऐसे, ये भी 10 मीटर की है, इसकी भी चौड़ाई 10 मीटर की है। अब देखो इसकी जो लंबाई है ये यहां से यहां तक है, ये इसके पैरेलल है, रेक्टेंगल की लेंथ के पैरेलल है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 700 की हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों आपस में बराबर होगी। बिल्कुल, आप अगर थोड़ा सा इजी करना चाहते हो तो नाम रख दिया आपने ए बी सी डी, इधर रख दिया ई एफ जी एच, यहां आई जे के एल और इसको एम एन ओ पी। अब आपको कैलकुलेट करना है ये जो सड़क है, केवल इस सड़क का एरिया बताना है आपको। जब आप इन दोनों सड़क का एरिया लोगे तो ये वाला एरिया दो बार आएगा, एक बार जब इस सड़क का ले रहे हो तो भी ये वाला पोर्शन आ रहा है, जब आप इस सड़क का एरिया ले रहे हो तो भी ये वाला पोर्शन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बोथ रोड जब हम निकालेंगे तो वहां लिखेंगे एरिया ऑफ, पहले हमने ये वाली रोड ली, दिस इज ई एफ जी एच, प्लस किसका एरिया, ये वाली रोड, ये वाली है आई जे के एल, आई जे के एल, और इसमें से माइनस कर देंगे ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको एक बार माइनस कर देंगे, दैट इज एम एन ओ पी। ठीक है, अब ये वाली जो ई एफ जी एच है ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी लंबाई है ये और चौड़ाई है ये, लंबाई आपको यहां से यहां तक 300 बताई है और चौड़ाई इसकी 10 बताई है, दैट मीन्स 300 × 10 प्लस जो दूसरी सड़क है ये वाली, इस वाले की लंबाई है 700 और चौड़ाई है इसकी कितनी 10, तो दैट इज 700 × 10 माइनस ये एम एन ओ पी, ये जितनी चौड़ी थी ये 10 मीटर की थी तो ये भी 10 मीटर हुआ, ये 10 मीटर था तो ये भी 10 हुआ, ये भी 10, ये भी 10, ये बन गया बीच में स्क्वायर। स्क्वायर का होता है फॉर्मूला साइड इनटू साइड, तो इट इज 3000 7000 माइनस 100, इट इज 10000 माइनस 100, कितना आएगा 9900 यूनिट है मीटर, तो मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉज देखो इसी का सेकेंड पार्ट, पहले पार्ट में हमें बताना था एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड हमने निकाल लिया 9900 मीटर स्क्वायर, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। दूसरे पार्ट में आपसे बोला है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, एरिया ऑफ पार्क बताना है, एरिया ऑफ पार्क किसको, एक्सक्लूडिंग बोथ रोड, दोनों रोड को हटाकर जो एरिया बचा, ये पूरा रेक्टेंगल था, इसमें से ये सड़क भी निकाल दी, ये सड़क भी निकाल दी, तो बचा ये 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 और ये, ये हम कैसे निकालेंगे, इस पूरी रेक्टेंगल का एरिया लेंगे और उसमें से जो दोनों सड़क का हमारा एरिया आया था उसे माइनस कर देंगे, तो लिखेंगे यहां पर एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ बोथ रोड। ठीक है, एरिया ऑफ पार्क में हम आएंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज 700 × 300
-9900. इट इज 2 1 1 2 3 4, 4 0 9 9 0 0. कितना आएगा सॉल्व करके बताओ बच्चों. आई थिंक दिस वन मीटर स्क्वायर. ओके ठीक है, ये इतना आ जाएगा. क्लियर हुआ है, समझ आया? पॉज कर देना तुमने. एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 7. थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर बाय 60 मीटर टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू साइड्स एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड. हर एक रोड की आपकी जो चौड़ाई दी हुई है वो 3 मीटर है. ये भी 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर की है. ठीक है, ये सब 3 मीटर है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ बोथ द रोड. तो एरिया ऑफ बोथ द रोड, पहले हम इस वाली रोड का लेंगे, फिर इस हॉरिजेंटल वाली रोड का लेंगे, और ये वाला जो पोर्शन MNOP है इसका एरिया एक बार माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एरिया इस वाली सड़क में भी आ रहा है और जब हम ऐसे लेंगे तो इस सड़क में भी आएगा. ठीक है, तो जब आपने ये वाली सड़क का एरिया लिया तो देख लो एक बार कैसे लेंगे. ये रेक्टेंगल था, ये सड़क थी, इसका एरिया लेना था. ये 60 तो ये भी 60 हो गया और ये 3 आपको क्वेश्चन में गिवन किया है. तो ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो गया. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दैट इज 60 × 3. ये हमने लिख दिया 60 × 3. अब हमें क्या करना है, दूसरी सड़क का एरिया लेना है, दैट इज IJKL. अब हमारी सड़क है इस तरीके से. ठीक है, ये पूरा दिया है आपको 90, तो इट इज ऑल्सो 90, और ये 3 दिया है तो दैट इज 90 × 3. और जो तीसरी चीज है, जो बीच में एरिया कॉमन आ रहा है, ये वाला एरिया, तो ये 3 है तो ये भी 3, ये 3 है तो ये भी 3, ये स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड. अब इसे सॉल्व कर लो सिंपल. दिस वन 270 - 9, इट इज 450 - 9, इट इज 441 मीटर स्क्वायर. ठीक है, अभी इसी का सेकेंड पार्ट और देखते हैं. द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर. यानी सेकेंड पार्ट में आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट. एरिया दिया है 441 मीटर स्क्वायर, जो कि अभी हमने यहां पर नीचे कैलकुलेट किया था. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से. रेट आपको दिया है रुपीज में 110 पर मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. रुपीज में आंसर आएगा 441 को 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे. करो बच्चों कितना आया. इसको 411 को 110 से दिया है, इट इज 49510. ठीक है, रोक दो बारी. देखो एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 है. दिया है आपको प्रज्ञा रैप द कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप. एक सर्कुलर पाइप है, एक लड़की है प्रज्ञा, उसने एक कॉर्ड ले रखी है, CORD कॉर्ड. कॉर्ड माने रस्सी. ठीक है, या बड़ा सा तार, मोटा सा, आप समझ लो. ठीक है, वो इसके चारों तरफ उसे बांध रही है और बांधने के बाद जितना उसको एग्जैक्टली चाहिए उतना वो वहां से काट लेती है. ठीक, उसके बाद वो कह रहे हैं ये जो उसने सर्कल पे बांधा था सेम वो एक स्क्वायर पर बांध रही है. और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है, एक ये चीज बताई गई, एक तो इसका रेडियस बताया गया है 4 सेंटीमीटर, और जो आपको स्क्वायर की साइड दी है ये भी 4 सेंटीमीटर दी. अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट. जो कॉर्ड इसने इस पर बांधी उसी को इसने पूरा दोबारा खोला, सीधा किया और सीधा करके उससे ऐसे स्क्वायर बना दिया. तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो इसके पास यहां रस्सी थी उस रस्सी से जब ये स्क्वायर बनाएगी तो उसके पास कुछ रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी. तो पहले हम ये देखेंगे कि उसे कितनी रस्सी की जरूरत पड़ी. जब वो ऐसे ऐसे पेरीमीटर के अलोंग या सर्कमफ्रेंस के अलोंग क्या कर रही है, रस्सी को बांध रही है, तो दैट मीन्स उसे कितनी रस्सी चाहिए. जितना इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा उतनी रस्सी उसको लगेगी. क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 दी है.
टू पाई आर फॉर्मूला होता है 2 इंटू 3.14 इंटू 4, ठीक है। पहले ये कैलकुलेट करेंगे, यहां पर जब वो बांधेगी तो उसे कितनी रस्सी चाहिए, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट मीन्स पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4, दिस इज 16 सेंटीमीटर यहां पर रस्सी लगी। और यहां पर कितनी रस्सी लगेगी कौन कैलकुलेट करके बताएगा, जल्दी से कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाइड बाय 8। यस, इट इज 25.12। यहां पर उसे कितनी रस्सी लग रही है, 25.12 मीटर सेंटीमीटर रस्सी लग रही है। और जब ने उसने उसी तार से एक स्क्वायर बनाया तो उसको केवल 16 सेंटीमीटर रस्सी लगी। तो बचाओ बताओ आप लोग कि उसके पास रस्सी बचेगी या नहीं। यस, उसके पास रस्सी बचेगी, क्यों बचेगी, बिकॉज थी उसके पास 25, यस उसके पास थी 25.12 और केवल लगी उसकी कितनी 16 सेंटीमीटर, तो यस उसके पास रस्सी बचेगी, ठीक है। यस, एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये फिगर बुक में दिया हुआ है और आपको तीन चार चीजें निकालने को कही गई है। ये एक लॉन दिया है, इस लॉन के अंदर ये फ्लावर बेड दिया है जो सर्कुलर शेप का है। पहले केस में कहा है आपको एरिया ऑफ लैंड या ये कह दो लॉन, आप इसकी जगह लॉन भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, तो दैट इज ये पूरा रेक्टेंगल शेप का है तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गई 10 और ब्रेथ हो गई 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 50 मीटर स्क्वायर आ गया। दूसरे पार्ट में आपको कहा है एरिया ऑफ फ्लावर बेड, यानी ये जो है ये वाला जो पोर्शन है फ्लावर बेड जो है इसका एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसका 2 दिया हुआ है आपको, तो आपने 3.14 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट किया, इट इज 12.56 आ गया, मीटर स्क्वायर में देंगे एरिया जहां भी होगा मीटर स्क्वायर में। तीसरा दिया है आपको बताना है एरिया ऑफ लॉन बताना है एक्सक्लूडिंग फ्लावर बेड, ये पूरा लॉन था लेकिन इसमें से ये एक्सक्लूड कर देना है, ये वाला पोर्शन हटा देना है, तो हमने दोनों को माइनस कर दिया, पहले इस पूरे लॉन का निकाला, सर्कल का निकाला और दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। तीसरी बार में आपको कह रहे हैं वो सर्कमफ्रेंस बताओ, सर्कमफ्रेंस मींस दिस पोर्शन, ये बताना है आपको सर्कल का, दैट इज 2πr के बराबर होता है। वैल्यू रख दी आपने 2π की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 2 दी हुई है, लेकिन याद रखना है यहाँ पर आंसर मीटर में आएगा बिकॉज दिस इज सर्कमफ्रेंस, दिस इज नॉट द एरिया, ठीक है। ओके, एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 10, बुक में ये फिगर गिवन किया है और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग में क्या लॉजिक लगाना है, पहले आप देखो पूरी कंप्लीट फिगर क्या बन रही है, कंप्लीट फिगर देखो हमारी ये रेक्टेंगल बन रही है, ठीक है। पहले आप इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, ये आपको 18 दिया है, ये आपको 10 दिया है, आप इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हो। इसके बाद देखो आपको कि और इसमें क्या क्या चीजें आपको नहीं चाहिए, हमें चाहिए एरिया इस पोर्शन का, यानी हमें ये भी नहीं चाहिए इसमें और ये भी नहीं चाहिए। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा ऐसे बना हुआ है, तो ये हमारा क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट, ये 6 दिया है, ये 10 दिया है। और एक हमें ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसमें भी एरिया लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट, तो दोनों निकल गए। अब आप जो आपने पूरे रेक्टेंगल का निकाला था उसमें से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो दिस वन, ठीक है। पर ही रोको एक मिनट, अब इसके आगे करेंगे, पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे पूरे रेक्टेंगल का 18 इंटू 10, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। अब इसको मैंने फर्स्ट ट्राइंगल माना और इसको सेकंड ट्राइंगल माना, पहले ट्राइंगल का एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट 10 इंटू 6 कर दिया, हाफ 10 इंटू 6 ये 30 आ गया। एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल निकाला सेम फॉर्मूला से, इट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, ये जो शेडेड रीजन है पूरे रेक्टेंगल में से ये वाले और ये वाले इन दोनों का हमने एरिया ऐड कर दिया और पूरे रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल, ये आया था 180 माइनस इसका लिखा था हमने 30, ये आया था और ये आया था 40, 30 एंड 40 70, 180 माइनस 70 करेंगे इट इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 10 का ये सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इस सेकंड पार्ट में फिगर दिया और करना इसमें भी हमें वो ये शेडेड पोर्शन का रीजन वो एरिया निकालना है।
लॉजिक फिर वही करेंगे, पहले आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, ये भी 20 दिया है, ये भी 20 दिया है, एरिया निकल जाएगा इसका। इसके बाद इसमें तीन ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, इन तीनों का अलग अलग एरिया निकालेंगे और पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन तीनों का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बचेगा वो ये वाला बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे पहले एरिया ऑफ PQRS, PQRS हमारे स्क्वायर के शेप का है, ये पूरा 20 दिया है और ये 10 और 10, 10 प्लस 10 इज 20, तो एरिया हो गया 20 इंटू 20, इट इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले ट्राइंगल का एरिया लेंगे ये वाला, इसका लंबाई आपका ये बेस आपका 10, बेस सॉरी 20 और हाइट आपकी 10, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाया, इट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले में ये आपका बेस हो गया और ये आपकी हाइट हो गई, फिर से फॉर्मूला लगाया हाफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है इसमें ये भी 10 है, बेस भी 10 है और हाइट भी आपकी 10 है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10, इसका एरिया आ गया 50। अब आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन तीनों को एड करके माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल प्लस सेकेंड ट्राइंगल प्लस थर्ड ट्राइंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका 400 आया, माइनस पहले का आया आपका 100, दूसरे का 100 और तीसरे का 50, जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो इट कम्स 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 11, ये फिगर आपको बुक में दिया है, इस पूरे फिगर का आपको एरिया निकालना है। इसमें हमें दिखाई दे रहा है दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो कैसे, एक ये ऊपर ट्राइंगल बना है और एक यहाँ नीचे ट्राइंगल बना है। ये जो ऊपर ट्राइंगल बना है, पहले मैं केवल इसका एरिया निकाल रही हूँ, ऊपर जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये दिया है 3 और ये पूरा दिया है 22, तो इसका एरिया हो गया हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। दूसरी बार जो नीचे बना हुआ है, नीचे मैंने फिर से ऐसी बनाया, इसका हाइट भी 3 दी हुई है और बेस 22 दिया है, तो इसका भी हो गया हाफ 22 इंटू 3, ठीक है। 2 से इसको काट दे 11, 2 से इसको काट दे 11, यहां पर भी आया 33, यहां भी आया 33, तो एरिया ऑफ फिगर, पूरे फिगर का एरिया कितना हो गया, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, ठीक है, दोनों ट्राइंगल का एरिया ले लिया, पहले का भी 33, दूसरे का भी 33, इट इज 66 यूनिट आपको बुक में दिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।